हेलो फ्रेंड, चलिए तो मैं आपको आप बताता हूँ कि जो प्रोडक्ट हमने पिछले वीडियो में लिया था, जिसका रिव्यू हमने दिया था, तो उस प्रोडक्ट में कुछ कमियाँ मुझे लगी। इसकी वजह से मुझे वो प्रोडक्ट जो है रिटर्न करना है। तो इसका रिटर्न का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से रिटर्न करते हैं हम प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पर, तो वही प्रोडक्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो जो है इसमें बना रखी है। अमेज़ॉन ऑन करने के बाद आपको ऑप्शन में जाना, ऑप्शन में जाने के बाद ऑर्डर सेलेक्ट करने हैं। ऑर्डर सेलेक्ट करके देख सकते हैं हम, ये आइटम आपको डिलीवर हुआ है, जिसकी रिटर्न पॉलिसी थी 10 दिन की। आपको अपनी रिटर्न पॉलिसी पर क्लिक करना है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न हो सकता है 29 मार्च 2019 तक, तो इसी पे हमको क्लिक करना है और इसके ऑप्शन जो हैं इसके बाद ही खुलेंगे कि हमें कैसे कैसे रिटर्न करना है। उस पर क्लिक करते ही हमसे पूछा जाएगा कि हम जो अपना प्रोडक्ट है क्यों रिटर्न करें, जिसके लिए हमें 6 ऑप्शन मिलेंगे सेलेक्ट करने के लिए। ऐसे हम जो है एक ऑप्शन जो है अपने लिए सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमारा कारण होगा। और रिटर्न करने के लिए आप एक छोटा सा जो है नोटिस या कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर वो लिख सकते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे के लिए, और इसको भरने के बाद आप आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल डालनी पड़ेगी, आपका सेविंग अकाउंट है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है करंट अकाउंट। मेरा सेविंग अकाउंट है तो मैंने अपने सेविंग अकाउंट की डिटेल डाल दी है और आगे के लिए ऑप्शन कर दिया है। आपको ये 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आप एक जो है अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं पूरी डिटेल भरने के बाद। रिफंड टू योर बैंक ये सिलेक्ट करने के बाद आप सेलेक्ट कर लें कि जो हमारा जो पैकेजिंग है जिसमें आया हम उसको ओरिजिनल पैकेजिंग में उसको रिटर्न करेंगे, और अपना बैंक अकाउंट जो है वहाँ से सिलेक्ट कर लें। ओरिजिनल पैकिंग में वापस करने के लिए आप टिक कर दें और उसके बाद कंटिन्यू आप कर सकते हैं आगे के लिए। अब आप देख सकते हैं हमारी जो रिटर्निंग पॉलिसी है उसकी जो डिटेल जो है हमें यहाँ पे दिखाई जा रही है कि आपका पैकेज जो है इतने इतने रुपए का था और इतने रुपए आपको रिफंड होंगे आगे के लिए। चलिए तो अब हम जो है आगे के लिए कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म करने के बाद आगे का ऑप्शन जो है ओपन हो जाते हैं आपके। अब यहाँ पे हमें फिर से बताया जा रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल पैकेजिंग में हमको वापस करना है, और कुछ डिटेल्स हैं जो कि हमें यहाँ पे बताई जा रही हैं, उसे आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो कुछ काम का नहीं होता, मगर जो पैकेजिंग डिटेल्स होती हैं उसके बारे में सब कुछ होता है, और रिफंडिंग नंबर वगैरह कुछ इसमें डिटेल्स दी हुई होती हैं। कंटिन्यू शॉपिंग करने के बाद आप नॉर्मली जो है अमेज़ॉन यूज़ कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस था हमारा रिटर्निंग का, किसी प्रोडक्ट को रिटर्न करने का अमेज़ॉन पर। ये प्रोसेस करने के बाद कुछ इस तरीके जो है हमारा स्टेटस दिखाएगा, हमारा प्रोडक्ट अगले दिन कितने बजे लिया जाएगा और हमारा प्रोडक्ट ले लिया गया ये सक्सेसफुल मैसेज दिया गया है। इन दो मैसेज में आप देख सकते हैं कि हमारे पहले मैसेज में हमें बता रखा है कि जो हमारा रिफंड है वो 10 दिन के अंदर हमारा भेज दिया जाएगा, और दूसरे मैसेज में बता रखा है कि जो हमारा रिफंड है वो 3/20/2019 में हमारा पहुँच चुका है। तो इस तरीके से आप जो है अपना रिफंडिंग प्रोसेस अमेज़ॉन पर किसी प्रोडक्ट के तहत कर सकते हैं। धन्यवाद गाइस। अदरवाइज आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, आपको वो ऑन कर लेना है ताकि आने वाले वीडियो को आप आसानी से देख सकें।